नमस्कार, हंसा गुरु ब्लॉग में आप सभी लोगों का स्वागत है। आशा करते हैं कि आप लोग सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। आज हम जा रहे हैं मुनस्यारी की ओर और दिखाते हैं आपको मुनस्यारी का हाल। मदनदा है हमारे साथ अभिषेक और काफी मजा आने वाला है। महाराज किसंदा, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, बैठो सर, वेलकम है आपका। धन्यवाद, आज की यात्रा आप ही के साथ रहेगी। धन्यवाद। दौलतदा भी पहुंच चुके हैं, डॉली मैडम भी यहाँ पर पहुंच चुकी है, जगदीश सर भी पहुंच चुके हैं गाड़ी में। काफी मजा आने वाला है आज। धन्यवाद। और मुनस्यारी के टूर पे है, सीमा मैडम भी पहुंच चुकी है गाड़ी में और दौलतदा बैठेंगे। इष्ट देव की जय। यही है गढ़तीर का गांव और यहीं से आज किशन सिंह बोरा जी, जगदीश बोरा जी और सीमा मैडम, डॉली मैडम, मदनदा, दौलतदा और इन सबको लेकर आज चल रहे हैं हम मुनस्यारी की ओर। तो काफ़ी सुंदर गांव गढ़तीर का और सुंदर सुंदर खेत बरसात के रास्ते निकलने वाले हैं, तो बने रहें हंसा ग्रुप ब्लॉक के साथ। और यहीं से जाता है पाखू माँ के दरबार के लिए। आदि शक्ति माँ कोकिला देवी गेट है यहाँ पर। रामगंगा के किनारे बसा है थल और यहाँ से राइट को रास्ता जाता है पिथौरागढ़ को और हमें जाना है लेफ्ट मुनस्यारी की ओर। और भोलेनाथ यहाँ पर सदा विराजमान रहते हैं और ये है थल की बजारा। काफी अच्छा सॉन्ग थल की बजारा का आप लोगों ने सुना होगा। आप यहाँ मच्छी भात का भी आनंद ले सकते हैं थल में। और यहीं से रास्ता जाता है मुनस्यारी को। नाचनी 12 किलोमीटर, बिरथी फॉल 37 किलोमीटर, मुनस्यारी 70 किलोमीटर, डीडी हाट 22 किलोमीटर। इसी जगह पर हुई थी पिछले साल बूबू हिमालय की शूटिंग, नाचनी की बाजार। नाचनी से आगे तेजम पहुंच चुके हैं हम। यहाँ पर रुके हैं, उल्टी वाले उल्टी कर रहे हैं और आनंद ले रहे हैं प्राकृतिक सौंदर्य का, पहाड़ की लाइफस्टाइल। इन्हीं गाड़ियों से होकर लोग अपने गंतव्य की ओर जाते हैं। बकरियां चारा चुगने के लिए जंगल की ओर जा रही हैं और घंटियां भी बांधी हैं क्योंकि बाघ का भी काफ़ी आतंक देखने को मिलता है पहाड़ों में। फर्स्ट क्लास पानी का धारा है, शहर का दूध और पहाड़ का पानी बराबर ताकत देता है। हॉर्न का प्रयोग हर मोड़ में करना पड़ता है। यहाँ से रास्ता जाता है बागेश्वर को 70 किलोमीटर और मुनस्यारी हम जाएंगे राइट की ओर 48 किलोमीटर। ये है क्विटी की बाजार और यहाँ से 45 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है मुनस्यारी और गिरगांव 14 किलोमीटर। देख सकते हैं ऊपर में अस्थाई पुल बनाया गया है, जो पिछला पुल था इस तरह से बरसात में पूरा बह गया है। यहाँ से दिखाई दे रहा है काफी सुंदर बिरथी फॉल का दृश्य और उसी के पास है कुमाऊं मंडल विकास निगम का सुंदर होटल। और यहाँ पर गाड़ी लगा दी गई है, यहाँ पर है मैगी पॉइंट और भी दुकान है यहाँ पर, देख सकते हैं आप। यहीं से जाता है रास्ता सिलबट्टे का, मैं बन रही है चटनी काफी पुदीना हुदीना डाल के और यहाँ तक खुशबू आ रही है। और ये है हमारा मिक्सी, पहाड़ी मिक्सी, तो यहीं पर है इनकी दुकान। तो काफी स्वादिष्ट खाना यहाँ पर बनता है। काफी ऊंचाई से देख सकते हैं वाटरफॉल हो रहा है। ऐसे दुर्गम क्षेत्रों को देखने का एक अलग ही अनुभव रहता है, लेकिन पहाड़ी हैं, बड़े बड़े पहाड़ तय किए हैं। गाड़ी हमने यहीं पर लगा रखी है और काफ़ी पर्यटक यहां पर रुकता है। बरसात में नदियां काफ़ी उफान पर रहती हैं। मैडम आप पहले भी आए हो? पहली बार पहुंच रही हैं डॉली मैडम आज बिरथी फॉल, मुनस्यारी और जौलजी भी, तो पहली बार आ रहे होंगे आप भी अभिषेक भाई? बिल्कुल। फर्स्ट टाइम अभिषेक भाई भी पहुंच रहे हैं। थोड़ा सा रेस्ट ले रहे हैं, चढ़ाई है, रुकते रुकते बिरथी फॉल के दीदार करेंगे। चढ़ाई चढ़ने के बाद ये दुकान हमें यहाँ पर दिखी, देख सकते हैं बिरथी फॉल का सुंदर दृश्य। बरसात के समय में उफान पर रहती है, जून का महीना चल रहा है उसके बावजूद भी इतना पानी, काफ़ी हाइट से ये गिरता है। इसी को देखने के लिए लोग यहाँ पर पहुँचते हैं। किशन सिंह बोरा जी और उनकी बिटिया और मदनदा आखिरकार चढ़ाई पार करके यहाँ पर पहुँच चुके हैं और डॉली मैडम अपने कैमरे में कैद कर रही है इस अद्भुत घड़ी को। तो पहली बार इनका यहाँ पर आना हुआ है, तो काफ़ी
बढ़िया इनको लग रहा है अपने परिवार के साथ। तो इसको देखने के लिए जो भी पर्यटक यहाँ पर पहुँचता है मुंशियारी के लिए या धारचूला के लिए, इस रूट का इस्तेमाल करता है, वो यहाँ पर ज़रूर रुककर इस चढ़ाई को पार करके इस बिरथी फॉल को निहारने के लिए, दीदार करने के लिए ज़रूर यहाँ पर पहुँचता है। घूमने का एक मौका आज उन्होंने ढूंढा हमारे साथ, तो घूम रहे हैं। तो अभी हमें मुंशियारी भी जाना है। बिरथी फॉल को देख के पहुँच चुके हैं यहाँ पर, तो यहीं पर है दुकान, यहाँ पर हम कर रहे हैं नाश्ता, बिरथी फॉल रेस्टोरेंट। तो यहाँ पर पराठे, रोटी, पूरी, सब्जी, छोले, राजमा चावल, दाल चावल यहाँ पर उपलब्ध रहता है। गाड़ियाँ यहाँ पर रुकी हुई हैं। देश के विभिन्न हिस्सों से पर्यटक पहुँचते हैं, देख सकते हैं। ये दिल्ली की गाड़ी है और ये हरियाणा की है, और हम भी यहाँ पर खड़ी की हुई है गाड़ी, और भी गाड़ियाँ आप देख सकते हैं। जो लोग ऊपर चढ़ाई पार नहीं कर सकते, वो लोग यहीं से बिरथी फॉल का दीदार करते हैं, देखते हैं, निहारते हैं, देख सकते हैं। यहाँ पर चल रहा है नाश्ता फर्स्ट क्लास। किशन सिंह बोरा जी आज निकले हैं मुंशियारी भ्रमण पर, और उनकी बिटिया भी है, और भतीजी डॉली मैडम, और दामाद जी भी हैं, मदनदा हैं, और अभिषेक भी हैं, और राजनदा, और यहाँ पर देख सकते हैं दौलतदा। यहाँ पर चाय नाश्ता चल रहा है, पकौड़ी, पराठे, यहाँ पर काफ़ी अच्छा नाश्ता यहाँ पर उपलब्ध रहता है। पकौड़ियाँ यहाँ पर बनाई हुई है, आइसक्रीम का भी लुत्फ़ आप उठा सकते हैं। और यहाँ पर बन रहा है पराठा, काफ़ी बढ़िया पराठा ये बनाते हैं यहाँ पर, इसीलिए लोग यहाँ पर पहुँचते हैं। पूरी भी बिल्कुल यहाँ पर बनती है, गरम गरम पूरी का आनंद लोग लेते हैं। लोग जाड़ों के दिनों में यहाँ पर गाड़ी लगा के आराम से धूप का आनंद लेते हैं। जून का महीना चल रहा है, थोड़ी सी चटक धूप जरूर है। पुल के उस पार भी खोल रखी है दुकान चाय पानी मैगी, काफ़ी सुंदर बिरथी फॉल का आनंद लेते हैं लोग, लुत्फ़ उठाते हैं ऐसी जगह का। इसीलिए पर्यटक यहाँ पर मुंशियारी में ज़रूर बना रहता है, और बर्फ़ का भी आनंद आप ले सकते हैं मुंशियारी में। थोड़ी सी आपको ट्रैकिंग करने की आवश्यकता पड़ेगी। शुद्ध एवं स्वादिष्ट पहाड़ी भोजन हमेशा मिलता है। नाश्ता करीब करीब यहाँ पर कंप्लीट हो गया है, और अब इसके बाद हम निकलेंगे मुंशियारी की ओर। हमारे लिए भी यहाँ पर नाश्ता पहुँच चुका है, देख सकते हैं, पराठे, मटर और सलाद में, और चटनी भी है, आलू है सूखी, अचार भी इन्होंने दिया है, दही साथ में है। मुंशियारी आए हैं तो भेड़ बकरी का खाल भी आप देख सकते हैं। बैठ रहे हैं गाड़ी में, अब चलेंगे आगे की ओर। रोड देख सकते हैं आप, दो गाड़ियां पास होनी है, और नीचे है गहरी खाई और ऊपर है खतरनाक पहाड़। सर्पीली रोडों का आनंद लेते हुए आज हम चल रहे हैं मुंशियारी की ओर। ये भीड़ आप देख सकते हैं, मुंशियारी आए और ऐसे इतने बड़े हिल स्टेशन में और भीड़ ना देखे ऐसा हो ही नहीं सकता। काफ़ी सुंदर व्यू पंचाचूली का, काला मुनिया के पास पहुंचे हम। अभिषेक भाई कैसा लग रहा है? मस्त। तो कैसा लग रहा है आप लोगों को सफर? बिल्कुल काफी समय के बाद प्रोग्राम आपने बनाया है ना, एकदम झकास झकास वाला। तो बोर होने का काम ही नहीं है यार पांडे जी। बस आपने अच्छा खासा, आपके साथ भी मजा आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं है सफर का। बेतुली धार के पास पहुंचे हम, काफी सुंदर व्यू, और किशन सिंह बोरा जी भी और मदनदा भी इंजॉय ले रहे हैं। हल्की हवा यहाँ पर चल रही है, और इसी जगह से रास्ता जाता है थामरी कुंड के लिए। अब निकलते हैं मुंशियारी की ओर, अभी हमें काफी कुछ देखना है। यहीं से लोग जाते हैं खलिया टॉप की ओर, बलाती बैंड इसको कहते हैं, और लोग यहाँ पर ट्रैकिंग के लिए खलिया टॉप की ओर निकलते हैं, और किसी भी मौसम में बर्फ वहाँ पर मौजूद रहती है। मुंशियारी पहुँच चुके हैं हम, मुंशियारी चौक के पास पहुँचने वाले हैं हम। यहाँ पर जो भी गाड़ी आती हैं यहाँ पर रुकती हैं, बस स्टेशन है ये मुंशियारी का। और सबसे पहले हम जाएंगे नंदा देवी माँ के दर्शन करेंगे वहाँ पर, और ये है टैक्सी स्टैंड, और यहीं से लेंगे हम राइट। 1:30 बजने वाले हैं, यहाँ लेफ्ट में भी बाजार है, और हमें जाना है सीधे, शॉपिंग भी करेंगे यहाँ पर। नंदा देवी टेम्पल में हम पहुँच चुके हैं, भी अच्छी गार्डनिंग भी इन्होंने की है।
काफ़ी खूबसूरत व्यू नंदा देवी का। तो व्यू पॉइंट वैसे तो ये प्राकृतिक है, आ चुके हैं दर्शन करके, बाकी लोग तो अंदर आए नहीं कुछ कारणों से। दूर से ही इंजॉय लिया और काफ़ी मज़ा आया। तो पर्यटक भी यहाँ पर लगातार बने रहते हैं। हमारे साथ के यहीं गए हैं शॉपिंग करने, इसी दुकान पर हैं शॉपिंग कर रहे हैं। दालें मुंशियारी की फेमस, मुंशियारी के आलू काफ़ी फेमस हैं। ये है मुंशियारी का राजमा, ये 220 रुपये केजी, और ये दूसरा राजमा 120 रुपये केजी, और ये तीसरा राजमा है। और जम्बू आप देख सकते हो बाल्टियों में भर के रखा है, पैकिंग में भी है, ये देख सकते हैं, इसकी जांच कर रहे हैं। 100 रुपये का पैकेट है। तो भाई साहब बता रहे हैं कि जो सबसे बढ़िया राजमा होता है वो ब्लू कलर का होता है, तो वो समाप्त है क्योंकि उसकी काफ़ी मांग मार्केट में है। पुलम भी है यहाँ पर ये, और पहाड़ी और खुमानी। धामी जी को आप देख सकते हैं, हरीश धामी जी भी निकल रहे हैं यहाँ से, लोगों को मिलते हुए चल रहे हैं आगे की ओर। सबसे बढ़िया राजमा ये वाला है, और ये भी समाप्त है, ये 250 रुपया केजी है, और काफ़ी बढ़िया राजमा है ये। तो दो चार दाने हमें भी मिले तो हम भी ट्राई करते हैं अपने खेतों में। मुंशियारी का कद्दू आप देख सकते हैं, और राजंदा ने लेके जा रहे हैं यहाँ से कद्दू बेरीनाग की ओर। तो शाम की सब्जी जो बनेगी आलू कद्दू की बनने वाली है। मुंशियारी आए हैं तो राजमा हो गया, और यहाँ का आलू हो गया, जम्बू धुंगार हो गया, ये सब लेके जा रहे हैं। दौलतदा ने भी रख लिए हैं फर्स्ट क्लास आलू, और मदनदा तोल रहे हैं अभी 5 किलो, और एक पार्टी हमारी राजमा लेने गई है। अभिषेक भाई भी आलू राजमा और जम्बू धुंगार इन्होंने ले लिया है। पर्यटक भी मुंशियारी की बाजार का आनंद ले रहे हैं। पहुंच चुके हैं गाड़ी के पास, अब निकलेंगे आगे की ओर। जौलजीबी तक का सफ़र हमारा रहेगा, और वहाँ से डीडीहाट के रास्ते निकलेंगे बेरीनाग की ओर। मधकोट पहुँच चुके हैं हम। मधकोट का ये है मल्लिकार्जुन स्कूल, काफ़ी सुंदर दृश्य गोरी नदी का देख सकते हैं। जून के महीने का ये बहाव है गोरी नदी का, और ये जौलजीबी काली नदी में समाहित हो जाएगी, और यहाँ पर वाटरफॉल भी है। ऊपर पहाड़ी से देख सकते हैं आप किस प्रकार से झरना रोड के उस किनारे तक काफ़ी ऊंचाई से गिर रहा है ये पानी। काफ़ी इंजॉय ले रहे हैं वाटरफॉल का, देख सकते हैं अंदर से निकलेगी गाड़ी। मैडम भी अपने कैमरे में कैद कर रही हैं इस पल को। अब चलेंगे हम गोरी नदी के किनारे किनारे, और ऊपर गांव भी देख सकते हैं आप किस तरह से जीवन यापन करते हैं पहाड़ के लोग। इसके बाद आएगा सेरा घाट, उसके बाद आएगा बंगा पानी। पहुंच चुके हैं जौलजीबी, धारचूला है 30 किलोमीटर, जौलजीबी 1 किलोमीटर, पिथौरागढ़ 66 किलोमीटर। तो जौलजीबी का मेला लगता है काफ़ी सुंदर, तो काफ़ी भीड़ होती है, व्यापारिक मेला। जौलजीबी की बाजार, और यहीं पर खा रहे हैं हम कोकरिया रेस्टोरेंट में, तो काफ़ी मस्त खाना बना रखा है। यहाँ पर चल रहा है चाय नाश्ता। हम आए हैं नेपाल में, और यहाँ लौकी लग चुकी है और ककड़ियाँ भी लगी हुई हैं। ककड़ियाँ देखो तैयार होने वाली है, और वो है गोरी नदी, और जो इधर से जा रही है वो है काली नदी। दोनों का संगम स्थल है, वो है इंडिया का हिस्सा। नाम क्या है आपका? बहादुरी है देखो। और हम आए हैं नेपाल, और बॉर्डर पे जौलजीबी के पास जो पड़ता है, तो काफ़ी सुंदर दृश्य देख सकते हैं आप। और तो हमने दुकान में जाके वहाँ कुछ टॉफ़ी बिस्कुट ली, तो काफ़ी बढ़िया लगा। और भाई लोग भी है यहाँ पर जो यहाँ बॉर्डर की सुरक्षा करते हैं। तो हम घूम के आ चुके हैं नेपाल, मैडम लोगों ने भी अपने देश में कदम रख लिया है। जय ज्वालेश्वर महादेव, जौलजीबी मेले में आपका हार्दिक स्वागत है। शाम का वक्त है और निकलना है हमको, बाया डीडीहाट के रास्ते निकलेंगे बेरीनाग की ओर। बारिश हो रही थी, बूंदाबांदी अब बंद हो गई है, तो अब निकलते हैं गाड़ी की तरफ। अब यहाँ से हल्द्वानी 270, मुंशियारी 67, और पिथौरागढ़ 66, मधकोट 45, तो इसी रास्ते से निकलेंगे हम
गोरी नदी को पार करते हुए डीडीहाट की ओर और वहां से थल, उसके बाद बेरीनाग। आपको ये वीडियो कैसी लगी? यदि अच्छी लगी तो हमारे चैनल हंसा गुरु ब्लॉग को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। तब तक मैं इजाजत दें, नमस्कार।